इंद्र के पाप की वजह से महिलाओं को मिली मासिक धर्म की यातना जानिए मासिक धर्म के पीछे की पौराणिक कथा। जी हां दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्यों स्त्रियों को हर माह मासिक धर्म जैसी यातना का सामना करना पड़ता है? क्यों इस दौरान इन्हें अशुद्ध माना जाता है? आज की इस बेहद ही खास वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं सवालों के जवाब एक पौराणिक कथा के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक बार गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए। असुरों ने इस मौके का फायदा उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। राक्षसों ने देवताओं को हराकर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्रदेव को मजबूरन अपना आसन छोड़ना पड़ा और वे मदद के लिए जगत गुरु ब्रह्मा के पास पहुंच गए। ब्रह्मा ने इस समस्या के निवारण के लिए इंद्र को किसी ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने के लिए कहा। ब्रह्मा के कहे अनुसार इंद्र एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने लगे। उस ब्रह्मज्ञानी की मां एक असुर थी। इंद्र इस बात से अनभिज्ञ थे। वह जो भी सामग्री ब्रह्मज्ञानी को चढ़ाते वह असुरों के पास चली जाती। इस तरह इंद्र की सेवा निष्फल साबित हो रही थी। इंद्रदेव को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी। इस तरह इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। वह जहां भी जाते यह पाप राक्षसी के रूप में उसका पीछा करता। थक हार कर इंद्र एक फूल के अंदर समा गए और वहीं पर छुपकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। कई सालों तक तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु इंद्र से प्रसन्न हो गए। वह स्वयं इंद्र के समक्ष प्रकट हुए और उसने वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने कहा कि अगर इस पाप को वृक्ष, जल, धरती और स्त्री में बराबर बांट दिए जाए तो इंद्रदेव इससे मुक्त हो जाएंगे। यह सुनकर इंद्रदेव इन चारों को मनाने की कोशिश में जुट गए। इंद्रदेव ने वृक्ष, जल, धरती और स्त्री को अपने पाप का बराबर हिस्सा बांटने के लिए मनाया। इसके बदले उन्हें एक एक वरदान देने का वादा किया। वृक्ष को इंद्र का पाप लेने के बदले अपने आप जीवित होने का वरदान मिला। जल ने भी इंद्र के पाप का एक हिस्सा ग्रहण किया और उसे वरदान मिला कि उसमें किसी भी चीज को पवित्र करने की ताकत होगी। इसी तरह धरती ने इंद्र के पाप के बदले वरदान लिया कि उस पर पड़ने वाली चोट का कोई असर नहीं होगा और फिर से ठीक हो जाएगी। अंत में स्त्री ने भी इंद्र के पाप के एक चौथे हिस्से को ग्रहण किया और उसे मासिक धर्म की यातना मिली। इसके बदले स्त्री को वरदान मिला कि वह पुरुषों के मुकाबले काम का कई गुना ज्यादा आनंद उठा सकेगी। इस तरह हर महीने स्त्रियों को मासिक धर्म होता है। इस दौरान वह कोई भी धार्मिक एवं शुभ कार्य नहीं करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।